हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेपलेप। प्रीवियस लेक्चर ऑडियो में हम लोगों ने देखा था कि डीएफए को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस लेक्चर ऑडियो में भी हम यही देखेंगे, लेकिन डीएफए को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे जेपलेप का। अब जेपलेप इज़ नथिंग बट जेपलेप इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। जेपलेप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ऑटोमेटा थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको जेपलेप को यूज़ करना है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके कंप्यूटर में जावा होना चाहिए। जावा मीन्स JDK, और JDK का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा ओरेकल की वेबसाइट से। यदि आपको जेफ्लेप को डाउनलोड करना है, तो जेफ्लेप को डाउनलोड करने के लिए आपको jflip.org नाम की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ आपको jflip.jar नाम की फाइल दिखाई देगी। ओके, इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे जार एक्सटेंशन ये बताता है कि ये जो फाइल है, ये जो जेफ्लेप है, ये बना है जावा के अंदर। और हम सभी लोग जानते हैं कि जावा में बने हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जावा का इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, या फिर ऑटोमेटा सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि जेफ्लेप का यूज़ जानने के बाद वो अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो जेफ्लेप का यूज़ जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल की मदद से जेफ्लेप को यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ हम लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर हमको ड्रॉ और डीएफए बनाना है, जो कि उसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके स्टार्टिंग में ए बी दिया होगा, साथ ही उस स्ट्रिंग के अंदर ए और बी दो ही इनपुट होंगे। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, यदि आपको ये क्लियर नहीं हो कि डीएफए को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि जेफ्लेप का यूज़ करने के लिए हमको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। तो हम जेफ्लेप को स्टार्ट करते हैं। तो जेफ्लेप को मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है फाइनाइट ऑटोमेटा, मिले मशीन, मूरे मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा। तभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा ऑप्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा पे। तो इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो फाइल, इनपुट, टेस्ट, व्यू, कन्वर्ट हेल्प, ये ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ सिम्बॉल भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनका कि हमें यूज़ करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर डीएफए क्रिएट करना है जो कि उसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके स्टार्टिंग में ए बी है। तो स्टेट बनाने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक स्टेट मैंने Q0 बना ली, यहाँ पर एक Q1 बनाई है और एक Q2 बनाई है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक स्टेट को इनिशियल बनाना है, एक स्टेट को फाइनल बनाना है। उसके लिए हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे, जिसको एट्रीब्यूट एडिटर भी बोला जाता है। देन आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, देन इनिशियल पे क्लिक करेंगे तो हमारी इनिशियल स्टेट बन गई। फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, देन हमारी फाइनल स्टेट यहाँ पर बन जाएगी। अब हमें इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस सिंबल का, जो कि ट्रांजिशन क्रिएटर। तो हम लोग क्या करते हैं, Q0 से Q1 मुझे देना है इनपुट ए। ए हमने यहाँ पर इनपुट दे दिया। ओके, और Q1 से Q2 हमें इनपुट देना है यहाँ पर बी। तो हमने बी इनपुट इधर दे दिया। अब हमें क्या करना है कि Q2 जो फाइनल स्टेट है, इसमें सेल्फ लूप देना है ए और बी का। तो पहले मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, ठीक है, लूप में ए आ गया है। अब हमको बी भी रखना है, तो यहाँ पर हमने बी इनपुट में दे दिया, ए और बी यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेप स्टेट बनाना है। तो ट्रेप स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑप्शन में जाएंगे, एड ट्रेप स्टेट। तो यहाँ से हमको ट्रेप स्टेट मिल जाएगी, ये ट्रेप स्टेट मैंने यहाँ पे रख दी। ओके, अब हमें क्या करना है कि ट्रेप स्टेट पे इनपुट देना है। तो Q0 से ए दे चुका हूँ मैं, अब Q0 से यहाँ पर हम लोग देते हैं बी। ओके, और Q1 से हम ट्रेप स्टेट पे देंगे ए, ठीक। अब हमें ए और बी Q3 से मीन ट्रेप स्टेट से निकाल के ट्रेप स्टेट को ही देना है। ए दे दिया, देन यहाँ पर बी दे दिया। ओके, ट्रेप डीएफ इज नाउ कंप्लीट। ओके, अब हमें भी क्या करना है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये मैंने इस तरीके से अरेंज किया है इसको, ठीक, कंप्लीट। हम देख लेते हैं किस तरह से बनाए डीएफ है। तो
इस तरीके से हमारा DFA बन के रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये DFA उसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा जिसके स्टार्टिंग में क्या दिया होगा, ए और बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट पे इनपुट पे देखते हैं, स्टेप विथ क्लोज, स्टेप बाय स्टेट, सॉरी फास्ट एंड मल्टीपल रन। तो मैं अभी यहाँ क्लिक करता हूँ मल्टीपल रन पे। सारा ऑप्शन आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही ईजी है। हम मल्टीपल रन पे जाते हैं। अब मल्टीपल रन के बाद में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, जैसे मैंने दिया ए बी ट्रिपल ए बी ए। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रन इनपुट्स ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट कर लिया, ओके DFA ने। अब हम देते हैं बी ए ट्रिपल बी ए, रन इनपुट पे देखे तो एग्जेक्ट कर दिया, क्यों, स्टार्टिंग में ए और बी नहीं था स्ट्रिंग के, इसलिए एक इनपुट और देते हैं ए और बी, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्यों, स्टार्टिंग में ए और बी है, एक्सेप्ट कर लिया। एक इनपुट और देते हैं डबल ए बी ए ट्रिपल बी, स्टार्टिंग में ए और बी नहीं है इनपुट के, तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट कर दिया। तो ये देखा हमने जे फ्लैप का यूज़, कि जे फ्लैप का यूज़ किस तरीके से करना है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में हम और भी यूजेस देखेंगे कि जे फ्लैप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन कैसे बनाते हैं। ओके, यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।